बच्चों अब हम लोग 1.3 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिफिनीशंस वगैरह आप समझ लीजिए। सबसे पहले सबसेट, उपसमुच्च। उपसमुच्च क्या है? देखिए, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। दो समुच्च होंगे ए और बी। एक समुच्च ए सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होगा, ठीक है? तो इसको हम लोग देखिए, ये बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अलग अलग नोटेशंस अलग अलग बुक्स में है। अभी ज्यादातर बुक में ये वाला नोटेशन चलता है, बट एनसीईआरटी बुक में नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बुक को छोड़ के केसी सिन्हा ले लीजिए, आरडी शर्मा ले लीजिए, आरएस अग्रवाल ले लीजिए, भारती भवन का ले लीजिए, सारे बुक्स में ये वाला नोटेशन चलता है। केवल एनसीईआरटी में ये वाला नोटेशन चलता है। तो दोनों नोटेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कलर भी मैं चेंज कर दी हूँ, है ना? तो अभी मैं फिलहाल मैक्सिमम बुक में ये वाला नोटेशन चलता है, बट एनसीईआरटी में ये नोटेशन चलता है। और देखिए, दो नोटेशन ये दोनों सेम है, तो मैं इस पर डिस्कस करूंगी। पहले सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में पहले डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है? ये अभी मैं लिख रही हूँ, ए सबसेट होगा बी का। इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। इट मींस कि यदि एक्स कोई एलिमेंट है ए का, तो वो एक्स जो है बी में भी होगा। मान लीजिए कि आपके स्कूल के ही ए है आपके स्कूल का 9th क्लास के बच्चों का सेट, और बी है आपके टोटल स्कूल के सारे बच्चों का सेट। अब सोचिए, 9th क्लास का सारा बच्चा जो है वो तो स्कूल में है, स्कूल का ही एलिमेंट है, इसीलिए ये हो जाएगा ए सबसेट। यहाँ पे बच्चों मैं सबसेट के लिए ए डिनोट कर रही हूँ, ए सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है? अब मैं और भी कुछ एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ बच्चों। मान लीजिए ए है, ए इक्वल टू मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है? और बी इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5। ये अलग है बच्चों, ठीक है? यहां से चल रही हूं। अब सोचिए, ए का सारा एलिमेंट 1 भी बी में है, 2 भी बी में है, और 3 भी बी में है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसीलिए हम लोग कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का नोटेशन है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है? अब मान लीजिए सी कोई सेट है, सी इक्वल टू 3, 1, 2 है, ठीक है? अब देखिए, ए का सारा अवयव सी में है कि नहीं? 1 भी है सी में, 2 भी है सी में, 3 भी है सी में। तो ए का सारा हम डिफिनेशन क्या बोले हैं, बस इतना ही बोले हैं कि सबसेट क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा यदि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। तो यहां पर ए का सारा एलिमेंट सी है, चलिए ये सी ले लेती हूं, तो क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बट यहां पे आप देख रहे हैं कि ए और सी तो सेम है, यहां पे क्या देख रहे हैं, ए और सी तो इक्वल सेट्स है, ए में भी सेम अवयव और सी में भी सेम ही अवयव है। तो यहां पर ए इक्वल टू सी लिखेंगे वो भी गलत नहीं होगा, और ए इज अ सबसेट ऑफ सी लिखेंगे वो भी गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन इस जगह पे देखिए, ए और बी में, ए और बी तो इक्वल नहीं है, बी में कम से कम यहाँ पे 4 और 5 दो ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो यहाँ पर ए तो बी के इक्वल नहीं है। लेकिन सोचिए, ए बी का सबसेट भी है और ए सी का भी सबसेट है। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन इस कंडीशन में ए बी का तो सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, है क्या? बी ए का सबसेट नहीं है, सबसेट देके कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि B का सारा अवयव A में नहीं है। 1 तो A में है, 2 A में है, 3 A में है, लेकिन 4 A में नहीं है। तो B का अवयव A में नहीं है, B का एलिमेंट A में नहीं है, तो B सबसेट नहीं है A का। लेकिन यहां पर A C का सबसेट था और C भी A का सबसेट है, क्योंकि C का सारा एलिमेंट A में है, 3 A में है, 1 A में है और 2 A में है। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? तो इसी तरीके से हम अभी देख रहे हैं कि ओनली सबसेट क्या है, कि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है? तो अब आप लोग समझ गए हैं, यहाँ पर ए बी का सबसेट था, ए सी का सबसेट था, क्या सबसेट है क्या नहीं है आप समझ चुके हैं। और भी एग्जांपल में हम लोग क्लियर करेंगे। और इसको पहले पेज को खाली करते हैं, पहले लिखा हुआ है, आगे है लिखा हुआ प्रॉपर सबसेट।
या इसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट सबसेट। तो देखने से लगता है प्रॉपर सबसेट, मतलब सबसेट तो है ही, उसके अलावा है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी है ना। तो यथार्थ उपसमुच या उचित उपसमुच। A set A is said to be a proper subset of a set B. एक समुच्चय A B का यथार्थ उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय कहलाएगा if every element of A is an element of B. यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव होगा। तो यहाँ तक का डिफिनेशन तो हो गया सबसेट का। सबसेट का डिफिनेशन बस इतना लिख दीजिएगा, प्रॉपर को हटा दीजिएगा, तो ये डिफिनेशन तो सबसेट का हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी है कि B has at least one element which is not an element of A. B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में नहीं होगा। अभी बच्चों मैं थोड़ा सा मिटाती हूँ, खाली करती हूँ, उसके बाद बच्चों देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल में जो आप देख रहे थे बच्चों, A इक्वल टू था आपका 1, 2, 3, B इक्वल टू था 1, 2, 3, 4, 5। तो इस एग्जाम्पल में A सबसेट था B का, था ना। तो ये A सबसेट था B का, बट ये प्रॉपर सबसेट था क्योंकि B में कम से कम एक एलिमेंट, एक क्या, कम से कम एक, मतलब यहाँ पे B में 4 और 5 दो एलिमेंट ऐसा था जो A में नहीं था। तो ये A B का सबसेट भी था और प्रॉपर सबसेट भी था। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर सबसेट का अभी के वाले नोटेशन के अनुसार सारे पब्लिकेशन में, एनसीईआरटी को छोड़ के अदर सारे पब्लिकेशन में, मैक्सिमम पब्लिकेशन में ये वाला रहता है, ये सबसेट का और ये प्रॉपर सबसेट का। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में ए बी का सबसेट भी था और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी था, समझ रहे हैं ना। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में था, ओनली इतना ही मतलब है। लेकिन यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं था, तब जाके ये प्रॉपर सबसेट हुआ था, ठीक है। लेकिन यदि ये सी लिए थे तो ए तो सी का सबसेट था सेकेंड वाले में, ए का सारा अवयव सी में था, ए का सारा एलिमेंट सी में था, बट ए सी का प्रॉपर सबसेट नहीं था, ए सी का प्रॉपर सबसेट नहीं था, सबसेट देखे कैंसिल कर दिए, मतलब नहीं था। ये आखिर क्यों नहीं था, क्योंकि ए सी के इक्वल था। यदि ए सी के इक्वल होगा तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो प्रॉपर सबसेट के लिए मतलब ए का सारा एलिमेंट सी में तो सबसेट है, लेकिन यदि ए सी के इक्वल हो जाएगा तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, और ए सी के इक्वल नहीं होगा तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बच्चों प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने के लिए किसी किसी बुक में, मैं बताई कि मैक्सिमम बुक में इसको सबसेट सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसको प्रॉपर सबसेट, इसको समुच्चय और इसको उचित, सॉरी उपसमुच्चय और इसको उचित उपसमुच्चय सूचित करते हैं। बट एनसीईआरटी जो है सबसेट के लिए ये डिनोट करती है, ए सबसेट है सी, ये सबसेट के लिए, ये किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ये सारा अदर पब्लिकेशन इसको सबसेट और इसको प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये अदर पब्लिकेशन, बट एनसीईआरटी जो है सबसेट को ये कहती है और प्रॉपर सबसेट को कहती है ए सबसेट है सी, मान लीजिए बी है, यहां पे सी मान लीजिए हम कह रहे हैं इस एग्जांपल के अनुसार, एंड ए नॉट इक्वल टू सी, तब ये हो गया प्रॉपर सबसेट, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। आप लोग बी लीजिएगा, मैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग में बता रही हूं प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बात समझ रहे हैं ना। तो अब सबसेट का नोटेशन आप समझ गए, जो बुक आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा उसका कॉन्वेंशन देख लीजिएगा कि जिस राइटर का बुक पढ़िएगा कि वो राइटर जो है किसको प्रॉपर सबसेट लिए हैं, क्योंकि उसके डिफिनेशन में होगा, और किसको सबसेट कंसीडर किए हैं। लेकिन एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए यदि क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन जो है ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप सही लिख ले, यदि दोनों ऑप्शन दो कॉन्वेंशन के अनुसार होगा, दो राइटर के अनुसार, तो दोनों आंसर देने वाले को सही ही माना जाएगा और दोनों को मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, समझ रहे ना बच्चों। इसीलिए आप ये कंसीडर कीजिए, ये मान के चलिए दोनों सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।